नमस्कार, आज हम बात करेंगे क्या भारत आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, हम अपने आर्थिक इतिहास के सबसे विचित्र दौर से गुजर रहे हैं। मौजूदा केंद्र सरकार अपनी इकलौती उपलब्धि का हवाला देते हुए यही कहती रही है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हम आपको बताते हैं, देश की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही है क्योंकि कई प्रमुख आर्थिक संकेतकों में गिरावट देखी गई है। ऑटो बिक्री में गिरावट, प्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी के बाद अब देश में घरेलू बचत में भी गिरावट आई है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की तुलना में घरेलू बचत गिरकर 2017-2018 में 17.2% हो गई, जो 1997-1998 के बाद से सबसे कम दर पर है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार चूंकि घरेलू बचत में गिरावट आई है, लिहाजा इसने निवेश को 2012 से 2018 के दौरान 10 आधार अंकों तक नीचे गिरा दिया है। प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर भी संग्रह लक्ष्य के अनुरूप नहीं रहा है। 1 अप्रैल को जारी आंकड़े के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह कमजोर निजी आय कर संग्रह के कारण 50,000 करोड़ कम हो गया। इसके कारण वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए संशोधित 12,00,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। आपको बता दें कि निजी आयकर भी कम वसूला गया है। सूत्रों ने कहा कि निजी आयकर का 5.29 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका और इसमें भी 50,000 करोड़ रुपये की कमी रही। इस कारण वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह को भी नीचे गिरा दिया। अगर हम वाहन बाजार की बात करें तो वाहनों की बिक्री भी घटी। सोसाइटी ऑफ भारतीय ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री में वर्ष दर वर्ष आधार पर मार्च में 2.96% की गिरावट रही और यह 2,91,806 वाहनों की रही। यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री 2018 में 3,722 वाहनों की रही थी। हालांकि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान यात्री वाहनों की बिक्री में 2.7% की वृद्धि हुई। यहां एक बात और आपको बता दूं कि FDI में 7% की गिरावट हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI में भी मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल दिसंबर अवधि के दौरान 7% की गिरावट आई, जो $33.49 अरब रुपया रहा, जबकि FDI पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा था। अप्रैल और दिसंबर 2017-18 की अवधि के दौरान FDI $35.94 अरब रहा था। अगला, आप सभी जानते हैं, नोटबंदी और GST ने भी जमकर डाला असर। इन प्रमुख आर्थिक मोर्चों में मंदी के आधार पर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है, कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दरअसल नोटबंदी और GST लागू होने के बाद गैर कारपोरेट सेक्टर प्रभावित हुआ है और वह दिखाई भी दे रहा है। कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि आर्थिक संकेतकों में आगे और गिरावट आएगी क्योंकि गैर कारपोरेट सेक्टर ही भारत में ज़्यादातर रोजगार पैदा करता है और यही सेक्टर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। आपको बता दूं कि घरेलू बचत ही सरकार की उधारी ज़रूरतों और कारपोरेट की उधारी ज़रूरतों के लिए धन मुहैया कराता है। यदि घरेलू बचत में गिरावट आती है तो इससे या तो निवेश में गिरावट आएगी या फिर चालू खाता घाटा बढ़ेगा। समाचार एजेंसी PTI के लिए दिए गए एक इंटरव्यू में आर्थिक सुधारों के विशेषज्ञ जानकार कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कुछ समय पहले यह कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी चिंताजनक स्थिति में लाकर छोड़ दिया है और देश अब आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। लोग हर रोज की बयानबाजी से परेशान हो गए हैं। उन्हें एक समाधान चाहिए था जो नहीं मिल सका। मौजूदा सरकार सबके विकास में विश्वास नहीं करती और यह लोगों के बीच नफरत पैदा करके सरकार में बने रहना चाहती है। नोटबंदी को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा स्कैम बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि पिछले 4.5 सालों में तमाम भ्रष्टाचार हुए। यह संयोग ही है कि मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेन को तैयार किया था। साल 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर ऐसे कई कैंपेन चलाए और UPA को जमकर घेरा था। आगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश में मोदी लहर को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़बोलेपन और भ्रांति के खिलाफ लोगों में एक खामोश लहर है। बिना बुलाए पाकिस्तान जाने से लेकर आतंकवादी हमले की जांच के सिलसिले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को पठानकोट हवाई ठिकाने पर आमंत्रित करने की पाकिस्तान पर मोदी की लापरवाही पूर्ण नीति असंगत है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद और आतंकवाद के मुद्दों पर भाजपा का ध्यान केंद्रित करने के प्रयास पर पूर्व प्रधानमंत्री ने मोदी की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद
सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी जिम कार्बेट पार्क में फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। पुलवामा हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। उन्होंने दावा किया कि पुलवामा में खुफिया विभाग की नाकामी आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों का खुलासा करती है। मनमोहन सिंह ने आगे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर मोदी सरकार का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। केवल जम्मू कश्मीर में ही आतंकवादी हमलों की घटनाओं में 176% की बढ़ोतरी हुई है और पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाएं 1000% का इजाफा हुआ है। मुझे यानी कि आदर्श कुमार को यह स्वीकार करने में बहुत खुशी है कि मौजूदा सरकार में उच्च स्तरों पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना में थोड़ा कम भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन मेरे लिए एक मामूली बात है। भारतीयों के लिए सबसे अहम मुद्दा यह सतत विकास दर ही है जो उन्हें गरीबी से निकालने का इकलौता रास्ता है। अगर एक मजबूत सरकार अपने विजन और उद्देश्यों को लेकर स्पष्ट नेता के होने के बावजूद हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे थे द दस्तक 24। नमस्कार।